ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर 10 लाख रुपए की लूट हुई है। बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर 10 लाख के जेवर और 20,000 रुपए के कैश लूट लिए। कानपुर से लौट रहे दिल्ली के इस परिवार का कहना है कि बदमाशों ने महिलाओं से बदसलूकी की। बाद में पीड़ित परिवार ने पुलिस को फोन किया लेकिन 100 नंबर पर उनकी कॉल नहीं लगी। बाद में रिश्तेदारों की मदद से उन्होंने पुलिस को बुलाया। यह घटना ग्रेटर नोएडा में जेवर के पास हुई है जिसमें 10 लाख से ज्यादा की लूट की बात सामने आ रही है। परिवार का कहना है कि लौट रहे थे दिल्ली के लिए लेकिन रास्ते में डकैतों ने इन पर हमला कर दिया। 10 लाख के जेवर और कुछ कैश जो इनके पास थे वो लूटकर भाग गए। 100 नंबर पर फोन किया इन लोगों ने लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। इसके बाद रिश्तेदारों से बात कर पुलिस तक खबर की गई और पुलिस पहुंची।